क्या आपको पता है कि माइग्रेशन से पहले जितने भी स्कूल्स यहाँ पे चल, मैक्सिमम स्कूल्स आर्य समाज के ही हुआ करते थे, तो माइग्रेशन के बाद मैक्सिमम बंद हो गए। उसमें से दो स्कूल चलते रहे हमारे, जैसे DAV रैनावारी और DAPP हमारा, ये वजीरबाग में चलता है आर्य समाज का स्कूल। और जैसा कि ये DAV महाराजगंज में हम लोगों ने इसी साल स्टार्ट किया स्कूल। मैं लखनऊ से हूँ और अभी मैं एज प्रिंसिपल यहाँ पर देख रही हूँ काम सारा। मतलब 90 से पहले यहाँ पर चलता था स्कूल आर्य समाज का, और 90s के बाद अब स्टार्ट हुआ है ये। अभी हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत कम है, स्ट्रेंथ कम है, जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं यहाँ के पास 35 रोल है हमारे पास, और क्लास 7 तक के क्लासेस चलते हैं हमारे तो। लेकिन ये है हमारा, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो यही है कि इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना और एक अच्छा इंसान यहाँ से बना के निकालना। रिनोवेशन की ज़रूरत है, हमारा चल रहा है रिनोवेशन का काम, आप भी देख रहे होंगे थोड़ा बहुत काम हमारा चल रहा है। तो बाकी हम लोग की कोशिश यही है कि इसको स्कूल को भी और बेहतर चलाना है हमको। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, कोई भी स्कूल है उसकी पहचान उसकी क्वालिटी एजुकेशन से होती है। तो नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, मतलब एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन। और मैं यही, मतलब यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जो डाउन टाउन के, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। और जो भी, मतलब जो भी हम लोग का धर्म है, रीति रिवाज है, वो सब हम लोग अपने घर तक रखा करें। स्कूल को एक सेकुलर सिस्टम में चलाना चाहिए, जितने भी स्कूल्स हैं वो एक सेकुलर उसमें एटमोसफेयर में चला जाए, और एक सेकुलर एटमोसफेयर में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। तो बताऊँ, उन्हीं बच्चों के लिए ये जो स्कूल है, ये हमें अभी नहीं स्टार्ट करना था हमारे मैनेजमेंट को, आर्य समाज को, ये स्कूल हमें अभी स्टार्ट नहीं। लेकिन इन्हीं बच्चों के लिए जो बहुत नीडी फैमिलीज हैं और बिल्कुल स्कूल के पास रहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट किया गया है दोबारा से। जी, हम लोगों ने जो इतने जल्दी में स्टार्ट किया, इन्हीं बच्चों के लिए सिर्फ किया गया है। और जैसे कि हमने अभी स्कीम अपनी रखी हुई, तो हमारी फीस बहुत कम है यहाँ के ऊपर। हमने कोई अपना जो DAV का जो फीस स्ट्रक्चर है कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो भी ये लोग इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं वही हमने रखा है, जो इनका पहले जो नक्शबंद में दिया करते थे या दूसरे स्कूल्स में दे पाएंगे, जो इजीली दे पाए। और जिनके 3 बच्चे हैं उनके लिए 1 बच्चे की हमने पूरी फीस माफ़ रखी हुई है, 2 बच्चे हैं उनकी 50% माफ़ है फीस। मैं 10th क्लास की यहाँ की स्टूडेंट हूँ। 32 ईयर्स के बाद ये स्कूल ओपन हुआ है, बट ये उसके बाद भी चल रहा था क्योंकि ये एक लोकल के पास यहाँ पर था। उसके बाद ये स्कूल वापस बंद हो गया, बट उसके बाद हमारी यहाँ पर समीना मैम आई, उन्होंने वापस रिस्टार्ट किया, वापस हमें इल्म दिया और सिखा, मतलब वापस हमें इल्म दिया और वापस रिस्टार्ट उन्होंने किया यहाँ पर स्कूल। ये स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा था, बट स्टिल ये बंद हो गया था, उसकी वजह से हमारे पास इल्म नहीं पहुँच रहा था। उसके बाद समीना मैम ने ये ओपन किया, रिस्टार्ट वापस किया, और ये मतलब अच्छे तरीके से चल रही है। हमें सब, मतलब मैम, मतलब बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर डिसिप्लिन भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है, हम तक हर एक चीज़ पहुँच रही है। बिल्डिंग पहले रेनोवेट होनी चाहिए, बिल्डिंग से होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ डेट ख़त्म हो चुकी है बिल्डिंग।